नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हमारे देश में बाल मजदूरी कराना एक जुर्म है, लेकिन आप किसी दुकान, ढाबे और छोटे छोटे होटल में अक्सर देखते होंगे कि एक छोटा बच्चा वहां काम कर रहा है, टेबल साफ कर रहा है तो कई कस्टमर्स को चाय दे रहा है। कई बार इन बच्चों को लेकर आम लोग आवाज उठाते हैं तो उसके बाद एनजीओज उन बच्चों का सहारा बनते हैं, लेकिन तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन पर नजर नहीं पड़ती और पढ़ने लिखने खेलने की उम्र में ये बच्चे बाल मजदूर बन जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां एक क्वारंटीन सेंटर में 8 साल के बच्चे से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा था। इस अमानवीय घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा नाबालिग है, मासूम है, इसलिए इसका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते। देखिए कैसे हाथों पर ग्लव्स लगाकर इस बच्चे से एक शख्स मजबूरन टॉयलेट साफ करवा रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन में हलचल मच गई। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया है, ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को वहां पर रखा जा सके और अन्य लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन बुलढाणा जिले से सामने आए इस अजीबोगरीब मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, मानवता पर भी। वही बुलढाणा की जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिन्हें 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। जिलाधिकारी का कहना है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, एक समाज के तौर पर सभी का इस घटना को लेकर नाराज होना जायज है। जिला प्रशासन ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और कहा कि हम जरूर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने उस बच्चे को मजबूर किया टॉयलेट साफ करने को लेकर, और बच्चा मजबूरन टॉयलेट साफ करता हुआ नजर आया। वहीं इस घटना से जुड़े 3 लोगों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, लेकिन ये वीडियो ये दर्शाता है कि मानवता कहीं ना कहीं इंसान में अब बचती हुई नजर नहीं आती है। हम ये नहीं कह रहे कि हर व्यक्ति गलत है, हर शख्स गलत है, लेकिन इस समाज में कुछ व्यक्ति अभी भी ऐसे हैं जो इस तरह की हिमाकत करते हैं, मजबूरन किसी पर काम थोपते हैं, वो भी एक छोटे से मासूम बच्चे पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।